गुरुदेव की ऐसी कृपा है मैं मेरा ज्यादा मिलना नहीं होता क्योंकि शायद जयपुर रहती है और मैं दिल्ली तो लेकिन इस बीच में जो मिलना नहीं होता तो गुरुदेव की कृपा से मैं देख रहा हूं कि बहुत प्रगति भजन में कर ली है ऊषा ने जो की जिसका भी हम लोग भी देख नहीं पाए और जो आज बोलने वाली हैं शायद हमें भी नहीं पता होगा हम भी पहली बार ही सुनेंगे बहुत सारी चीजों को क्योंकि हालांकि दीक्षा तो इन्होंने मेरे साथ ही गई होगी 2001 में इनके हरिनाम हुआ गुरुजी से काफी समय पहले तो हम तो इनके साथ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं कि कैसा उस दिन था क्या कैसा रहा था क्योंकि तो जिसके साथ अपने लिए होता है उसको अपने लिए याद रहता है तो शायद ये हमें कुछ बता पाएंगी और इनकी और भी अनेक अनुभूतियां हैं बड़े कठिन समय से भी गुजरी हैं और उसके अंदर गुरुदेव ने इनका हाथ थाम के रखा है और अब बहुत ही अच्छी सेवा भी कर रही हैं जयपुर में जो हमारे ठाकुर जी हैं राधा मदन मोहन जी जो कुछ पाठ श्रीधर महाराज जी ने स्थापित किए हैं जयपुर नगर में वहां पे ठाकुर जी की सेवा करती हैं रेगुलर उनकी सारी जो ड्रेस बनती है ठाकुर जी की वो ये स्वयं अपने हाथों से ही बनाती हैं हालांकि कुछ काफी कुछ बनाती रहती है उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है फॉर्मल लेकिन उन्होंने ठाकुर जी के लिए ही सिलाई करना सीखा पहले नहीं कुछ करती थी और फिर बड़े ही प्रेम से अभी होली को भी और हर समय त्योहार के समय तो कर सकते हैं धन्यवाद जी हरे कृष्णा स्मृतियां तो ऐसे मेरे पास कुछ खास है नहीं क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि मेरा नाम हुआ था 2001 में और मेरी दीक्षा अभी जाके हुई है दो में अब ये खुद ही सोच सकते हैं सब लोग कि मेरी दीक्षा क्यों नहीं होती है सबसे पास ये <laughs> ऐसा मैंने क्या पाप किया कि मुझे दीक्षित दीक्षा नहीं मिलती और सबको मिल जाती है मेरे सामने सामने कई लोगों को शुद्ध महाराज जी से मेरा ज्यादा मुलाकात हुआ था गुरुदेव के साथ तो मैं एक बार ही मिली हूँ पूरे लाइफ में मेरी पूरे मेरा तो जीवन तो पता नहीं कितना और बाकी है लेकिन अब तक मैं सिर्फ एक बार उनसे मिली हूँ और वो भी आप मानोगे नहीं कि सिर्फ कहते ना एक घड़ी आधी घड़ी आधी में भी पुणियात <laughs> तो सिर्फ पुणियात में मिली होंगी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा उनसे मिलना हुआ था मेरी जब सगाई हो गई थी, में गया साधु संघ साधु संघ सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है तो लव मात्र का भी गुरुदेव के साथ जो मिलना है ये बहुत बहुत जीवन में आगे बढ़ा देता है, तो वही शादी तो के बाद जाना तो मेरा नहीं हो पाता था तो मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि मेरे को मेरी शादी के लिए खरीदारी करनी थी तो ये लोग मुझे अपने साथ लेके चले गए थे और मन में तो था कि हमारे गुरुदेव हैं कुछ क्योंकि जब कृष्णदास प्रभु जी है वो घर पे हमारे आया करते थे और जब भी इनको टाइम मिलता था तो अपने काम से तो घर पे आते थे और हम लोगों को क्या करते थे बैठा देते थे हॉल के अंदर बाहर हमारा बरांडा होता था तो जामनगर हमारा घर था जैसे आप लोग सबको तो पता ही होगा तो उसमें बरांडे में हमको बैठा देते सबको शाम को और खुद मृदंग लेके शुरू हो जाते थे और हमारे को एक मुझे जो याद आ रहा है बहुत अच्छा मुझे लगता था हम सब बैठे होते थे क्योंकि हम खुद ही बहुत सारे लोग हैं सात भाई बहन है हम लोग सारे तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती अक्सर सर हमारी खुद की फैमिली इतनी अच्छी खासी है कि हम लोग इसमें आराम से कीर्तन भक्ति वगैरह कर सकते हैं और कुछ आस पड़ोस के लोग और आ जाते थे तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता था तो प्रभु जी हमको क्या कहते थे कि सिर्फ एक काम करो तुम्हें तो कुछ नहीं आता कुछ मत करो तो एक भजन था भजन है कि नंद जी, जी को लाला अल बेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला ढेला रे ढेला रे ढेला रे ढेला ढेला रे ढेला रे ढेला रे ढेला तो ये जो ढेला रे ढेला होता था <laughs> उनको भी याद रहा है वो ढेला रे ढेला हमको दिया जाता था कि तुमको कुछ नहीं करना बाकी सारा मैं करूंगा तुम सब यहाँ बैठ जाओ और सिर्फ ढेला रे ढेला बोलना है जब मैं बोलूंगा स्टार्ट तो ढेला ढेला वो ऐसा हम इशारा कर देते दे थे, थे। <laughs> <laughs> हाँ शुरू करिए आप लोग ढेला रे ढेला रे तो हम लोग सिर्फ बड़े मजे से सिर्फ ढेला 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 बोलते थे रे देला रे देला, देला रे देला रे फिर वो शुरू वीर जी को लाला ला तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था बहुत मजा आता था इसको सुन के और ऐसे और भी कई सारे थे ये तो मुझे एकदम ऐसे पिक्चराइज हो रहा है मेरी आंखों के सामने की ऐसा हुआ करता था तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया भजन की भजन क्या चीज होता है कैसे होता है तो इधर से हमारी शुरुआत हुई थी और ऐसे कई सारे कीर्तन हुआ करते थे घर पे तो ऐसा चलता रहा फिर मेरी शादी सगाई हो गई सगाई तक भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या गुरुजी होते हैं कैसे गुरुजी होते हैं बस इनसे सुनते थे हाँ, हाँ हमारे गुरु जी है तो हमें लगता था ऐसे आगे लंबी मार देते हैं भैया तो है ना कि गुरु जी क्या होते हैं हमें कुछ नहीं पता फिर चलता रहा फिर सगाई हो गई सगाई के बाद जैसे सगाई हुई सगाई के जस्ट बाद हम लोग शॉपिंग के लिए गए तो वहां पे इन लोगों को जाना था गुरुदेव के पास तो मुझे भी साथ लेके चल ऐसे बोल के चल यहाँ क्या करेगी के लिए चल गुरुदेव से मिल के आते हैं मैंने कहा ठीक है भैया के लिए क्या करूंगी तो इसी बहाने मैं भी चले गई अब गई तो वहां पे बहुत लंबी लाइन इतनी लंबी लाइन की कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ खड़े होगा ये दोनों बड़े इंटरेस्ट के साथ भैया भाभी तो प्रभु जी और इनकी पत्नी वो दोनों बड़े ही इंटरेस्ट के साथ ऐसे जैसे होता है कुछ किसी बड़ी अच्छी सी चीज को लेने जा रहे हो उस तरह का इनका मन में जम ललाई थे कि कब मिले कब मिले कब मिले इधर घुर्जे आ रहे हो उधर घुर्जिया है मैंने कहा क्या कर रहे हैं पता नहीं अपने को तो कुछ पता था नहीं कि हो क्या रहा है तो मैंने कहा ठीक है मैं भी लाइन में लग गई सबके साथ इनके साथ काफी दरवाजा के नंबर आया नंबर आया तो मैं जैसे यहाँ गुरुजी बैठे हैं जैसे मैं बैठी हूँ उन, उनके पीछे से होगी इतनी अकल नहीं थी कि गुरुजी के सामने चले जाए उनके पीछे से होकर मैं इस साइड में आ गई ठीक पीछे से टर्न करके ये दोनों आगे से गए उनको प्रणाम प्रणाम किया कुछ प्रणाम नहीं किया कुछ नहीं किया मुझे जो, जो याद आता है मैंने कुछ भी नहीं किया पीछे से गई साइड में आके खड़े हो गई वो तो गुरुदेव की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर की पता नहीं उनको क्या समझा क्या आया उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा बिना मेरे कुछ किए मैं इतनी बेवकूफ थी इतनी कहते नदान सी थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुदेव हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए उनके सामने से जाओ पीछे से निकल गई इस तरफ आके खड़े हो गए और <laughs> बेवकूफ को जैसे साइड में खड़ी थी तो गुरुदेव ऐसे करके मुझे देखा मुझे आज भी वो आंखें याद आती हूँ उनके ऐसे करके देखा और माला करती हो नहीं, कर नहीं ऐसे मुँह ला दिया नहीं माला करती हो दो बार नहीं करोगी हाँ कर लेंगे तभी ये बोला कि आप कह रहे हो तो कर लेंगे ऐसे नहीं कि हाँ करनी है कुछ नहीं आप कह रहे हो तो कर लेंगे पता नहीं मुझे गुरुदेव के मन में क्या आया ऐसे मालाझोली उठाई और मेरे हाथ में दे और वो माला झोली मेरे हाथ में आ गई उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे हरिनाम करना है कुछ नहीं बस हो गया मेरा काम इतना ही इतना ही मेरे गुरुदेव से तो माला मिला तो झोली लेके मैं आगे बढ़ गई घर में आई तुम लोगों के बोला कि भाई हरिनाम करना चाहिए ठीक है कर लेंगे बाद में कर लेंगे अभी क्या चलती है ऐसा था मन में कि बाद में कर लेंगे तो बहुत टाइम पड़ा होगा ठीक है फिर अः पापा जब जामनगर पहुंचे तो वहां जाके पापा ने बोला कि हरिनाम करना चाहिए तो हम लोग सुबह वॉक पे जाते थे वहां पे पापा और मैं दोनों जाया करते थे मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि तो मैं शुरू से मोटी बहुत थी तो <laughs> अभी भी हूँ तो पापा मुझे कहते थे कि सुबह शादी करनी है अब तेरी तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करो तो माला भी हो जाएगी और साथ में वॉक भी हो जाएगी ठीक है तो वहां पे माला लेके जाती थी पर्पस ये था कि मॉर्निंग वॉक करनी है तो चलो माला भी ले चलते हैं पापा कह रहे हैं इसलिए तो वहां दो जो दो चार माला जो हो जाती वो हो जाती बाकी मुझे कुछ नहीं पता ये था मेरा तक ठीक है इसके बाद क्या हुआ शादी हो गई माला तभी घर छोड़ के आई थी कि मैं क्या करूंगी माला का शादी के बाद माला का क्या करेंगे पता नहीं कैसा घर मिले करने देंगे कि नहीं करने देंगे पता नहीं और मैं मैसा कुछ नहीं लेके आई फिर शादी के बाद यहाँ पे घर पहुंची तो मैंने घर में देखा कि बहुत अस्त व्यस्त लगती मतलब कि भगवान के नाम पे हमारे घर पे एक रूम था उसी के अंदर सारा स्टोर वगैरह था सब कुछ ऐसा था और उसके अंदर भगवान जी सारे रखे होते थे और पूजा पाठ इतना कुछ नहीं होता था यहाँ पे फिर मेरी जो जेठानी थी उनके मन में श्रद्धा बहुत थी मेरी उनसे बात होती थी तो उनके मन में बहुत श्रद्धा थी मैंने उनसे दो चार बातें करी फिर जब नेक्स्ट टाइम होता है पगफेरा एक बार जो लड़की वापस जाती है शादी करके तो उसमें मैं जब वापस गई थी वहां पे जाके फिर मन में ऐसा हुआ कि गुरुदेव को तो छोड़ के आ गई तब मन में बड़ा लगता था कि वहां जाओ तो बस सारा माहौल ऐसा कि सब पूजा पाठ कर रहे हैं सब लोग इतना कर रहे हैं मैं यहाँ आती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था तो मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड को बोला अपने पति को बोला की भाई ऐसा ऐसा है मेरे वहां तो बहुत पूजा होती है तो हम भी कुछ कर रहे तो कहते हैं क्या चाहती है ऐसे सीधे से मुझे बोला क्या चाहती है मैंने कहा देखो मेरे यहाँ पे तो गोपाल जी हैं लड्डू गोपाल जी हैं आप भी ले लेगे तो बहुत अच्छा है तो कहते हैं सोचूंगा <laughs> सीधा मुझे जवाब मिला सोचूंगा तब तक मैं भी दिया जला देती थी और दिया उसी रूम में जाके जला के आती थी जहाँ पे की हमारे बिलो के टैंक रखे हुए थे और मतलब सारा स्टोर रूम जैसा मान लो उसको ऐसा था उसे में हमें दिया जला के आ जाती थी अब भाभी के प्रति भाभी के मन में बहुत श्रद्धा थी मैंने उनसे बात की तो वो लगा फिर इनको पूछा तो इन्होंने कहा ठीक है देखेंगे फिर पता नहीं इनके मन में क्या हुई एक दिन सुबह सुबह उठे और उठते के साथ मुझे बोला चल तेरे गोपाल जी लेके आते हैं मन का भाई हुआ क्या ऐसा पता नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस दिन क्या हुआ था इनको कि क्या मन में के ये उसी दिन हम लोग गए और गोविंद जी जाके लड्डू गोपाल घर पे लेकर आए फिर वो लड्डू गोपाल ले आ तो आए अब रखें फिर हमने घर में स्थापना करी उनकी फिर हमारी भाभी जी ने माला करनी शुरू करी और पूरे घर ने माला करनी शुरू करी पूरा घर एकदम आगे भक्ति करने लगा सारे सारे मेरे हस्बैंड भी अच्छे से करने लगे कीर्तन वगैरह सब करते थे माला भी करते थे थे हो रहा है देखो फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया <laughs> कई बार आता है ऐसा कि उन्होंने छोड़ दिया और इस तरह से हमारे घर का पूरा हो गया ये तो हमारे घर की बात अब मैं जब गुरुदेव जी को वहां पे मेरी शादी के बाद गुरुदेव को घर छोड़ के आई थी तो वहां पे मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई आप क्या करें कुछ ऐसा लगा कि कुछ छूट गया है फिर वापस गई वहां से गुरुदेव जी का फोटो था जो मेरे पापा उसके अंदर रखा करते थे गीते के अंदर <laughs> चुपचाप वो फोटो निकाला <laughs> उसको लेके अपने यहाँ आ गई बस समेट के ऐसे होते ना कि कुछ बहुत अच्छी कीमती सी चीज समेट के लेके आ गए समेट के गुदे की फोटो को यहाँ लेके आ गई और हमारे घर में एक माता जी की पूजा होती थी हम लोग कृष्ण जी को नहीं मानते यहाँ पे हम लोग माता जी को मानते थे तो मेरे मन में तो ये था कि भाई हम तो ठाकुर जी को शुरू से पूजा करते हैं शुरू से उनकी भक्ति करते हैं तो मन में ये था कि माता जी का क्या करूंगी मैं बट मतलब अंदर तो वो जाती नहीं थी कि माता जी के मुझे पूजा करें तो एक दिन क्या सोचा पता नहीं कि वही पुरानी सी फ्रेम उसको निकाल के माता जी की फोटो निकाल के उसमें गुरुदेव को डाल दिया और वो आज तक मेरे घर में उसी के अंदर है <laughs> मैंने कोई नई फोटो फ्रेम भी नहीं खरीदी कुछ नहीं किया मेरे गुरुदेव की जो प्रतिमा है वो है चित्रपट है वो उसी के अंदर उसी फ्रेम में है पुरानी वाली अब मुझे उसको हटाने का भी मन नहीं करता कि मैं इस फ्रेम को चेंज करूं तो वही मेरे घर में लगी हुई है और बड़े बड़े और हैं बाकी लेकिन वो जो मेरी याद है के वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और मुझे लगता नहीं है 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 कि मैं मेरे जीते जी उसको हटाऊंगी पुरानी फ्रेम कोई बात मुझे बहुत प्रिय वो ठीक तो ये रहा गुरुदेव के साथ मेरी मुलाकात तो हुई नहीं उसके बाद आए श्रीदेव महाराज जी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारी पूरी फैमिली मिलके भागवत कथा कराया करती थी जयपुर में तो अनुराधा दीदी जो है उनके घर पे भागवत कथा होती थी तो हम लोग पूरा सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करके करते थे कथा तो तो वहां से मेरी मुलाकात है शिवधा महाराज जी के साथ अब उनका जो नाम चेंज हुआ पहले इनका नाम रसानंद प्रभु था और बाद में उनका नाम शिवधय महाराज जी वो भी मेरे को बड़ा कंफ्यूजन लगता था कि भाई नाम कैसे बदल देते हैं पहले रसानंद जी हो गया अब शिवधय महाराज हो गए बहुत परेशान होती थी इसको तो देख के भी क्या चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आता था फिर जब उनसे मिलने लगी धीरे धीरे उनसे बात करी उनके पास गई फेस टू फेस उनसे कुछ बहुत बड़ी चीज है जो हमसे छूट रही है फिर धीरे धीरे उनके साथ रह के मन में ऐसा आ गया कि भाई श्रीधर महाराज जी मेरे गुरुदेव है उषा हाँ जी यहाँ या, पे मैं जो हमारे गुरुदेव होते हैं उनको बड़ा हाँ? नाम लेना चाहिए पूजे पाठ भक्ति विधान श्रीधर महाराज बोलने से ज्यादा अच्छा है जी पूज्यपाद भक्तिविधान श्री महाराज जी यहाँ पे आके मेरे मन में ये हुआ कि हम लोग गुरुदेव मेरे यही हैं तो मैं फिर सोच में पड़ गई कि बहुत बुरी तरीके से परेशान हुई कि मेरे गुरुदेव आखिर हैं कौन किसको मैं मेरे गुरुदेव है हमारे पूज्य पाद भक्तिविधान सिद्ध महाराज जी को मानू की हमारे पूज्य पात्र नारायण गोसाई महाराज जी को मेरे गुरुदेव मानू तो बहुत बड़ा एक सवाल मन में उठा कि भाई है कौन मेरे गुरुदेव और ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था पर यहाँ पे जब मैंने गुरुदेव की मधुर स्मृति में सुना की वे जिसने आपको हरिनाम दिया वो आपके गुरुदेव होते हैं फिर नेक्स्ट किसी ने आके बोला कि जिसने आपको दीक्षा दी वो आपके गुरुदेव होते हैं तो मेरी तो दीक्षा हुई नहीं मेरे गुरुदेव कौन तो बहुत बड़ा से ऐसे कुछ हो गया और उसी को ध्यान में रखते मैंने कुछ लिखा ठीक है तो मैं आपको वही सुनाती हूँ है तो कुछ ऐसा ही लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था <laughs> और फिर एक दिन मेरे पुजपा सिद्ध महाराज जी को बैठाया और उनसे ऐसे जैसे बच्चा जितनी करते हैं वैसे तो मैंने उनसे पूछा बताओ मेरे गुरुदेव कौन है इस तरीके से इतने लाउड वॉइस में उनसे पूछा उस <laughs> तो दिन उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारा गुरुदेव हूँ ऐसे मैं तुम्हारा गुरुदेव हूँ फिर काफी कुछ हुआ उस दिन हमारे साथ चलो मैं थोड़ा से पढ़ के बताती हूँ आपको क्या है मैंने कुछ समझ में भी शादी आएगा चलो <energetic descriptive language> बचपन नहीं बचपन नहीं युवावस्था थी वो जब पहली बार जब पहली बार सुना गुरुदेव के बारे में मन में कुछ हलचल मन में कुछ हलचल थी न जाने पहली बार सुना गुरुदेव के बारे में मन में कुछ हलचल हलचल सी थी न जाने क्या जब पहली बार सुना गुरुदेव के बारे में शादी हुई नया घर मिला पर पुराना शादी हुई नया घर मिला पर पुराना घर पुराने संस्कार भूल ना पाई कुछ दिनों के बाद घर जा गुरुदेव को साथ ले आई कुछ दिनों बाद घर जा गुरुदेव को साथ ले आई अब क्या था अब क्या था थी वो पुरानी सी फ्रेम जिसमें थी माँ दुर्गा विराजमान निकाल उनको बाहर रखा और गुरुदेव ये विराजमान निकाल उनको बाहर किया और गुरुदेव किए विराजमान ये बन में तो बहुत अच्छे से हमारे सेट कर दिया था प्रभु जी ने कि कृष्ण जो है वो सबसे बड़े हैं तो अब हमारे मन में ये था कि हमें इनका सबका सम्मान करना है लेकिन हम पूजा नहीं कर पाते थे सम्मान सबका करते थे लेकिन वो श्रद्धा नहीं आ पाती थी कि भाई हमको दुर्गा माँ की पूजा करनी है या उनकी करनी है इस तरह से तो उस दिन यही मन में ऐसा हुआ कि एकदम से कर दिया मैंने उनको निकाल उनको बाहर रखा और गुरुदेव किए विराजमान आज भी आज भी वही पुरानी फ्रेम में विराजमान है गुरुदेव हमारे घर पे समय बीतता गया समय बीतता गया रोज निरंतर सेवा करती उनकी पर फिर एक दिन आया जब मन में फिर हलचल सी हुई जब फिर मन में फिर हलचल सी हुई जब कुछ समझ न आया क्या होते हैं गुरुदेव जब कुछ समझ न आया क्या होते हैं गुरुदेव तब हुई बहुत परेशान बहुत परेशान कौन है कौन है मेरे गुरुदेव तो यहाँ तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद फिर हम लोग गुरुदेव से मिले श्रीधर महाराज जी से मिले तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन भैया मेरे गुरुदेव है कौन मैं तो एक मधुस्मृतिया मेरे पास आई इसका संशय मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का संशय करने के लिए इस प्रश्न का जवाब देने के लिए ही शायद ये प्रोग्राम शुरू हुआ और यहीं से मुझे इसका जवाब मिलता गया मिलता गया मिलता गया कि मेरे गुरुदेव कौन है और बहुत बड़ा प्रश्न था ये फिर समय आया 2019 ठीक है यहां से बताती हूँ दो 2019 में अः मेरी जो बहने लोग हैं उन लोगों ने सबने प्लान मैं मोस्टली कहीं जा पाती नहीं हूँ मेरे हस्बैंड एक होता है ना कि बड़े पेम्पर करके रखते हैं कि कहीं जाना नहीं है घर पे रहना है अकेले कहीं नहीं जाना उनको ये बहुत रहता है कि अकेले कहीं नहीं जाना और दूसरा ये खुद कहीं जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं तो मैं तो फंस गई ना अकेले जाना है ना ये साथ जाएंगे तो भाई अब करें क्या फिर दो हजार में शायद हम लोग न्यू ईयर के दिन जब 2019 शुरू हो रहा था तब न्यू ईयर के दिन सुंदर प्रभु जी जो जयपुर वाले हैं उन्होंने प्लान किया था कि हम लोग वृंदावन जाके आते हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी ना तो उनके साथ मैं और मेरी दो सिस्टर्स भी थी हम मेरे दो बहनें हम सारे गए सुबह सुबह शायद साढ़े चार बजे के बाद मुझे घर से निकलना था मैंने उनसे पूछा आप चलोगे कहते मैं तो नहीं जाऊंगा तो मैंने मैं जाऊं तेरी मर्जी वो कर तो अपनी तो मर्जी बन पहले ही थी कि भाई जाना है वृंदावन तो ठीक है लेकिन सुबे सुबे चार घर से निकलना करके गुरुदेव का नाम लिया और निकल पड़े अब सुबह साढ़े चार बजे निकल तो गई घर से लेकिन रास्ते में जो हालत थी वो बता नहीं सकती पहली बार लाइफ में पहली बार अकेली निकली थी वो भी सुबह सुबह साढ़े बजे वहां जब पहुंची रस्ते पर हरिनाम करते गए कंटिन्यूस हरिनाम चल रहा था मंदिर में जब पहुंची हूँ तो बहुत अजीब सा चीज मैंने देखा बहुत अजीब सा चीज कि बड़ा अजीब सा सीन था वहां पे मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या था क्या नहीं था लेकिन मैंने प्रभु जी को बताया था तो वो बहुत अजीब सा था लेकिन मेरे मन में एकदम दृढ़ विश्वास हो गया उसको देख के कि भाई हाँ गुरुदेव हैं पक्का है वो जो कहते हैं ना कि आई एम क्लोज वो वाली बात एकदम एग्जैक्टली एक मेरे मन में सेट हो गई थी उस दिन कि मैंने जो देखा मैंने जो सुना वो एकदम मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती वो क्या चीज था ठीक है तो वहां से हमारी एकदम गुरुदेव के प्रति जो कहते हैं दृढ़ निश्चय दृढ़ निष्ठा वो उत्पन्न हो गई और उससे पहले भी कई चीजें ऐसी हुई थी जिसके भी मेरे को लगा कि हाँ वाकई गुरुदेव कई चीजें एक बार स्टाफ में हम लोग बैठे थे स्टाफ रूम के अंदर वहां पे मेरे पास इतना बड़ा नोटबुक्स का पाइल था ढेर नोटबुक्स का उसको चेक करने के लिए मेरे पास सिर्फ लास्ट पीरियड था और मेरे किसी भी एंगल से मैं उस दिन उसको चेक नहीं कर पाती और नेक्स्ट डे कुछ टेस्ट वगैरह मैंने प्लान किया था तो डायरी नोट भी चला गया था कि ये टेस्ट है तो बच्चों को नोटबुक देना भी एकदम मस्त था अब मैं तो परेशान कि भाई चेकिंग होगी कैसे फिर याद आया कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो कुछ हो सकता है तो भैया मैंने कहा चलो ठीक है अब क्या करते हैं जितना हो पाया करा लास्ट के पंद्रह या दस मिनट बचे होंगे मैंने पूर्ण सरेंडर किया और ऐसे करके नीचे हेड डाउन करके एकदम सिर नीचे करा और गुरुदेव को छोड़ दिया गुरुदेव अब आप जानो क्या होगा मैंने जितना करना था मेरे से हो गया इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ जब वापस उठाया सर मैंने ऊपर तो एक भी कॉपी मेरे सर के आगे नहीं थी एक भी नोटबुक नहीं थी उसके आगे सारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी और अपने आप सबने ले ली सब लगे कॉपियां चेक कर रहे मेरे को इतना आश्चर्य हुआ हुआ मैंने कहा ये कैसे हुआ भाई इतनी लास्ट पीरियड तक तो सब लोग थक चुके होते हैं तो कोई इतना नहीं शो करता लेकिन उस समय एक भी नोटबुक मेरे आगे नहीं थी सब लेके चेकिंग कर रहे हैं और फटाफट दस मिनट के अंदर पूरा इतना बड़ा पाइल मेरे सामने ऐसा हो गया मैं देखे आगे क्लास में कॉपी मैंने कहा भाई कमाल उस दिन तो ऐसा दृढ़ हो गया कि भैया वाकई होते हैं गुरुदेव पूरा एकदम पुख्ता विश्वास हो गया फिर ऐसे धीरे-धीरे कुछ-कुछ कुछ-कुछ ऐसे होता गया कि धीरे-धीरे धीरे-धीरे मन में विश्वास पैदा होता गया होता गया होता गया फिर 2019 वाला किस्सा वहां जो मैंने न्यू ईयर वाला जो था बहुत अमेजिंग था वो उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती उसके लिए बहुत क्षमा चाहूंगी क्योंकि बहुत कुछ अजीब सा था वो <laughs> वो हुआ उसके बाद 2019 में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कहते ना कि एकदम रंग को जाना तो मेरे हाथ में एक पैसा नहीं था 2019 की बात 19 19 की है ये 19 के बाद शायद 19 19 के उनिस के बाद 19 वाला पूरा साल था ये मेरे हाथ में एक पैसा नहीं बैंक में जो पैसा था वो सारा साफ हो चुका था मतलब मैं इस हालत में थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था ठीक है हस्बैंड के पास है लेकिन मेरी आदत है कि मैं शुरू से अपने जो होते हैं पर्सनल मैं अपने पर्सनल खर्चे खुद ही करती हूँ तो मेरे को उनसे मांगने का भी वो नहीं रहता कि मैं उनसे लू पर ये जो था कि अब क्या करें इसी दौरान मैंने जो कुछ भी सीखा मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया है सारा का सारा मैंने इसी दौरान पाया है ये जो कहते हैं ना कि जब एकदम खाली हो जाता है इंसान तब उसके समझ में आती है तो गुरुदेव की कृपा से मेरे को भी गुरुदेव ने पूरा खाली किया कहते हैं, पूरा एकदम जब बच्चे का दिमाग खाली होता है तो उसके ऊपर अच्छे से हम लिख सकते हैं तो मेरा भी शायद सब कुछ खाली किया अब तब उन्होंने लिखना शुरू किया मेरे ऊपर और जो मेरे अंदर एकदम सेट हो चुका है अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे हिला सकता है तो वहां से आ, मेरा जाना हुआ वृंदावन जाके न्यू ईयर वाले दिन उसके बाद वापस आए फिर वापस आने के बाद नवदीप मार्च में नवदीप परिक्रमा होती है नवदीप परिक्रमा के लिए मन में इतना भयंकर उत्कंठा उत्पन्न हुई थी उस समय कि नवदीप जाना है जाना है जाना है और उससे पहले जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ये तो था कि मुझे नवदीप जाना है मन में बहुत आता था ये लोग सब जाके आते थे फैमिली वाले और आके मेरे को दिखाते थे ग्रुप में फोटोज आती थी तो मेरा मन ऐसे करता था कि मैं तो नहीं जा पाती हूँ हमेशा मैं ऐसे सोच के रह जाती थी ये कभी वृंदावन चले गए कभी नवदीप चले गए कभी जगन्नाथपुरी चले गए मैं हमेशा ऐसे सोचती रहती थी कि मैं कब जाऊंगी और बड़ा गुस्सा आता था इनके ऊपर मुझे <laughs> मन में ऐसा होता था कि मैं नहीं जा पाती हूं और ये सब जाके आते हैं तो मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मैं नहीं जा पाती हूँ तो यहाँ पे नवदीप जाने का टाइम आया तो अब जाए कैसे पैसा हाथ में एक नहीं था कि वे जाना तो है लेकिन मन में श्रद्धा मन में इच्छा बहुत तगड़ी थी कि जाना है क्योंकि उस समय जॉब नहीं था मेरे पास और मैं खाली भी थी फिर मेरे मन में ये आया कि जब जॉब था तो जब जॉब था ऐसा भी था लेकिन समय नहीं था ठीक है अब मेरे पास समय है लेकिन पैसा नहीं है तो करे क्या फिर मैंने सोचा कि क्या करें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा पूर्ण थी ये तो पक्का था कि गुरुदेव कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट करेंगे अपना तो फिर सुंदर प्रभु जी ने स्टेटस लगाया जयपुर वाले गोपाल प्रभु जी ने स्टेटस लगाया अपना कि किसी को नवदीप जाना है तो, तो मेरे को कांटेक्ट करें और मन में इतनी ज्यादा वो थी कि जाना है तो मैंने उनको फटाफट कांटेक्ट किया जैसे उनका स्टेटस देखा तो मैंने फटाफट उनको कांटेक्ट किया कि प्रभु जी मेरे को जाना है तो उन्होंने कहा कि आप कौन <laughs> तब इतना जानते भी नहीं थे उनको तो उन्होंने कहा आप कौन तो मैंने अपना नाम डाला कि मैं उषा दासी करके हूँ तो कहते माता जी हम लोग ना माता जी को नहीं लेके जाते हैं मैंने कल लाइ भाई हो गई बड़ी निराश में कहा आप क्या करें इन्होंने तो साफ मना कर दिया हम तो माता जी को लेके नहीं जाते हैं ठीक है फिर भी मन में रहा कि जाना है जाना है जाना है फिर परिक्रमा शुरू हो गई और मेरे घर में सब लोगों की टिकट बुक थी पूरी फैमिली की टिकट बुक थी कोई प्लेन से जा रहा है कोई ट्रेन से जा रहा है सबके सब, प्लान में थे मैं एकदम ये थी कि मैं कैसे जाऊंगी बड़ी परेशान थी मैं कैसे जाऊंगी जाना होगा कि नहीं होगा पता नहीं और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती इतनी बड़ी कृपा की मैं नवदीप पहुंची और पहुंची भी कैसे बहुत आराम से बहुत आराम से ये गुरुदेव की कृपा और ये जो अपने अनादिर प्रभु जी हैं वो और अच्छे कृष्णदास प्रभु जी इन सब की कृपा से मैं नवदीप पहुंची और वो भी एकदम ऐसे पहुंची कि बस पहुंच गई जैसे कहते हैं कि मरते मरते को जी जाता हो वो हालत मेरी उस दिन थी कि मैं पहुंच गई तो हम लोग जब मेरा रिजर्वेशन में नहीं था टिकट्स भी नहीं थी मेरे पास कुछ नहीं था परिक्रमा स्टार्ट हो गई तो भी मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी अब क्या हुआ परिक्रमा स्टार्ट हो गई फर्स्ट परिक्रमा का था था उसका लाइव टेलीकास्ट रहा यूट्यूब बेवकूफ तो की तरह अपने घर पे बैठ के देख रही थी उसको और मेरे साथ में मेरी बेटी थी और देखी जा रही थी और यहाँ यहाँ तक बड़े 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 बड़े, बड़े, बड़े साथ साथ रोई जा रही थी कि सब पहुंच गए मैं नहीं पहुंच पाई तो उस दिन उस दिन फिर वो पूरा मैंने सारा YouTube पे देखा कि सब लोग परिक्रमा में बड़े जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो मैंने अनादि प्रभु को बोला था कि आप मेरे रिजोल्यूशन रेजु, करा देना उन्होंने कहा था मैं तेरे को कैसे भी करके कोई और जाए ना जाए मैं तेरे को जरूर पहुंचा दूंगा तो मेरे पे विश्वास करती है ना मैंने कहा हाँ मैं तेरे को जरूर पहुंचाऊंगा मैंने कहा ठीक है एकदम आंख बंद करके छोड़ दिया जो होगा देखा जाएगा गुरुदेव जाने ये लोग जाने मुझे कुछ नहीं पता मेरे को तो बस जाना है <laughs> ये था कि मुझे तो बस जाना है तो फिर उस दिन मेरा कुछ नहीं हो पाया परिक्रमा स्टार्ट हो गई परिक्रमा स्टार्ट फिर ग्यारह बजे करीब मेरे पास फोन आया कि तेरा रिजर्वेशन तो हो नहीं पाया मैंने कहा क्या करें और खूब रही फिर भी फिर शाम के टाइम मुझे मेरे हॉल में से आवाज आई आजा मतलब किसकी आवाज से मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से मेरे हॉल में से एकदम से आवाज आई उषा आजा और एकदम लाउड एकदम लाउड आवाज उषा आजा मैंने कहा क्या हो रहा है फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट डे दे थोड़ी देर फोन आया मेरे पास की रेजुएशन हो गया कल तेरे को जाना है मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है चुपचाप से अपना सामान पैक कर कल जाना है तेरे को नवदेव के लिए सुबह साढ़े तीन बजे की गाड़ी है मैंने कहा साढ़े तीन बजे फिर वो अकेले कैसे निकली गई जी किसका फोन आया आयादी प्रभु का अनादि प्रभु का फोन आया था नादरपुर का फोन आया कि सुबह 3:30 बजे मुझे तुम्हारी गाड़ी है तुमको निकलना है फिर मैंने मेरे साथ में मेरे बेटे को लिया माधव तो क्योंकि रात का टाइम था और लंबा जाने था तो उन्होंने हम दो माधव की और मेरी टिकट्स करवाई थी माधव मेरा बेटा है तो हम दोनों गए वहां पे नबीब और रास्ते भर में कोई प्रॉब्लम नहीं और हम लोग इतने मूर्ख <laughs> ना तो इतने मूर्ख इतना वो था एक्साइटमेंट कि उसमें ट्रेन में बैठ गए बैठने के बाद भी हमने ये नहीं देखा कि हम एसी में बैठे हैं कि नॉन एसी में बैठे हैं <laughs> हम लोग बस फटाफट फटावट करके ट्रेन में देखा कि बीटू है हमारा नंबर और बीटू में चढ़ गए चढ़ने के बाद जाके पता चला अरे ये तो ए है हम तो गलत में आ गए दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है बस जाना है जाना है जाना है जो छोटा बच्चा नहीं करता है जिद वो जित बस जाना है तो वहां से फिर अजय कृष्णा क्रूप जी का फोन आया कि बैठ गए ट्रेन में हाँ लेकिन हम ना गलत डब्बे में बैठ गए एकदम से मैंने यही बोला लगता हम गलत डब्बे में बैठ गए हैं तो कहते देख तो ले तेरा एसी का टिकट ही बुक था मैंने कहा है फिर देखा उसको अरे वाह ये तो तो एसी वाला था मैंने कहा भैया इतने मतलब की एकदम पागल हो गए थे तो जाना है नवदीप जाना है ऐसी हालत थी मेरी फिर वहां से नवदीप पहुंच गए बहुत अच्छे और दूसरी बात ये रही कि मेरे घर में जिसने सबने टिकट्स बुक करवा रखी तो उनमें से सिर्फ अजय कृष्णदास प्रभु जी पहुंच पाए थे और पापा पहुंच पाए थे बाकी कोई नहीं जा पाया अब ये कैसे हुआ ये, मुझे नहीं पता सबकी कैंसिल हो गई सबकी सब बहुत टाइम पहले से बुक्स दी गई और सबकी कैंसिल करानी पड़ी और सिर्फ मैं और अजय कृष्ण प्रभु जी और पापा जा पाए थे तो ये मेरे को तो यही लग, लगता क्या पक्का है कि सिर्फ गुरुदेव की कृपा है कि मैं नवदीप जा पाई और उससे पहले सपने में पता नहीं क्या क्या मैंने देखा <laughs> पूरी परिक्रमा मेरे सपने में आ चुकी थी नीत हरी बोल हरी बोल ये रात को मैं सब सपने में देखती थी रोज रोज मेरा यही चलता था उस समय सपने के अंदर तो बड़ा वो लगता था अच्छा लगता था फिर ये सब हो गया नदी परिक्रमा हो गई अच्छे से वहां से जब लौटे तो ऐसा लगा कि कुछ तो छोड़ के आ गए और फिर वही दो आंसू टपकाते हुए वहां से मैं वापस आई उस दिन भी उस दिन मेरे साथ उर्मिला दीदी थी जयब्रुवारी वो थी। थी, क्या हुआ तो कुछ नहीं ऐसा लगा रहा, कुछ छूट गया <laughs> बड़ी बड़ी उदास थी मतलब कुछ ऐसा लगा कि भाई बहुत कुछ छूट गया है भी एक चीज मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि आ, मैं और मेरा बेटा आ, अपने जो आ, अपने जो मठ है उसके बगल में गुरुदेव जी का समाधि स्थान है समाधि स्थान के बगल में म्यूजियम है जिसके ऊपर जाके हम लोग पूरा गोवर्धन परिक्रमा गोवर्धन का वो पिक्चराइज कराकर वो बना हुआ है अच्छा सा पूरा म्यूजियम है तो अजय जी ने मुझे बोला कि ऐसा करो तुम लोग जाके देख कर आओ म्यूजियम देख कर आओ तो मैंने कहा ठीक है थे तो बावले अभी भी पागल ही है हम तो तो हमने कहा ठीक है माधव को लिया बेटे को लिया साथ में और चले गए उसको देखने ऊपर जाके देखा तो हमें कुछ भी नहीं दिखा आप लोग विश्वास नहीं करेंगे हमको कुछ भी नहीं दिखा उन्होंने हमें बोला था कि गुरुदेव का पूरा वहां पे बनाया हुआ है कि गुरुदेव के पूरा बचपन से लेके सारा गुरुदेव की प्रतिमाएं वहां बनी हुई है और पूरा लाइफ हिस्ट्री है उनकी तुम देख कर आओ हम तो चले गए अब जाके हमें एक कुछ भी नहीं दिखा विश्वास नहीं करोगे लेकिन कुछ भी नहीं दिखा हम पूरा घूम के आगे से ऊपर का जो गोवर्धन वाला जो एरिया है जहाँ पे गोवर्धन पर्वत है और गोपियां वगैरह है वो सारा हमने देखा गुरुदेव का हमें कुछ नहीं दिखा हम लोग वापस आ गए माधवर में दोनों वापस आ गए वापस आके प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी हमें तो कुछ भी नहीं दिखा आप कहाँ कह रहे थे तो कहते हैं क्या बात करती है मैंने कहा नहीं दिखा फिर उन्होंने मुझे एक बहुत ऐसे बहुत ही बड़ी बात करी कि इसीलिए कहते हैं अनुगत्य में जाया करो तो उसे मुझे समझ में आया कि अनुगत्य में जाना क्या होता है फिर ये हमें अपने साथ लेके गए आगे आगे ये पीछे पीछे हम और इन्होंने जो हमें दिखाया सब कुछ सब कुछ वहां पे था गुरुदेव का पूरा कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया कहा बचपन से लेके उनके जो सपने में आए थे वो राधा राम राम जी राम जी महाराज और रसीता जी वो सब पूरा प्रतिमा के रूप में वहां पे सब कुछ था तो हम बड़े आश्चर्य में कि हम भी तो जाके आए थे हमें तो कुछ भी नहीं दिखा और अभी आप जब लेके जा रहे तो सब कुछ है वहां पर तो हमें क्यों नहीं दिखा तो ये बहुत बड़ी एक चीज हमने उस दिन पकड़ी की अनुगत्य में जाना बहुत जरूरी है अनुगत्य बहुत जरूरी है तो यहाँ से हमने ये सीखा बहुत बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की मैंने सीखी इनसे अनुगत में रहना और फिर वहां से हम लोग आए तो बड़ा अच्छा रहा और गुरुदेव से बस साक्षात मेरा मिलना सिर्फ वो दो एक घड़ी आधी घड़ी वाला ही था उसके बाद जो मैं मिली वो उनसे सपने में मिली और ऐसे ही मिली बस कानों के थ्रू जो कहते हैं कि अपने कानों के थ्रू मिलना होता है वही मेरा मिलना हुआ है और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जब मैं बहुत छोटी थी बहुत छोटी थी तब मुझे इस चीज का समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या लेकिन आज जाके मुझे समझ में आता कि हुआ क्या था उस दिन मैं जब बहुत छोटी थी, थी तो मैंने सपना देखा कि वो सपना मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था आ, कि मैं किसी घने जंगल एकदम घने जंगल से होकर गुजर रही हूँ और पूरा एकदम ब्लैक पूरा काला काला है कुछ नहीं ऐसे पेड़ पेड़ की और सन्नाटा और खूब अजीब अजीब आवाज आ रही जी है जानवरों की आवाज आ रही है वहां पे मुझे पार करके निकलना है लेकिन मैं निकल नहीं पा रही अब वहां थोड़ी दूर आगे चल के मैं जब चलती कि अकेले और कोई नहीं मेरे साथ अकेले चले जा रही हूँ चले जा रही हूँ और डर भी लग रहा है भयंकर डर लग रहा है कि अब कहा फंस गई गयी कहाँ से कैसे निकलूंगी वहां पे छोटा सा बच्चा सिर पे मोर का पंख और हाथ में बनती वो आज भी मुझे मेरे सामने ऐसे दिखता है बच्चा कि वो बच्चा था क्या लेकिन तब तो बहुत छोटी सी थी तब कुछ समझ में नहीं आया कि ये था क्या अब जब जीवन बीत रहा है कि किस तरह के अंधकार के जीवन में से मैं बाहर निकल के आ रही हूँ तो समझ में आ रहा किस है किसके थ्रू आ रही वही छोटा सा बच्चा सिर पे मोहर पंख और बंसी आज जाके समझ में आता है कि वो क्या था उस दिन तो गुरुदेव ने आज मुझे नहीं पकड़ा अब जाके मुझे लगता है कि आज मुझे नहीं पकड़ा गुरुदेव ने उस समय से मेरे को पकड़ रखा था पर मैं इतनी बेवकूफ थी कि उनकी इस कृपा को समझ नहीं पाई ठीक है और जो गुरुदेव कहते हैं कि तिवारीपुर के गुरुदेव है मुझे पता नहीं था मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी तिवारीपुर की जिसके घर में रोज आया जाया करती थी रोज मतलब अक्सर उसके घर जाती थी लेकिन कुछ पता ही था कि यहाँ से मेरा इतना घनिष्ठ संबंध होने वाला है आगे चल के तो तब कुछ ध्यान नहीं आता था फिर टोटा गोपीनाथ जो मैंने यहीं आके सुना टोटा गोपीनाथ है है उड़ीसा में वहां की मेरी एक फ्रेंड थी वो बहुत स्टोरी सुनाया करती थी, थी कि टोटा गोपीनाथ ऐसा तो मैं उसको बड़ा चिड़ाया करती की टोटा गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ कथी रहती है <laughs> तो बड़ा अजीब लगता था तब तो अब जाके पता चलता है था टोटा गोपीनाथ क्या है फिर स्वर्ण मंदिर जो मैं बहुत छोटे में जाके आगे शायद मैं उस समय ना, एट नाइन्थ स्टैंडर्ड में होंगी कोणार्क मंदिर जो था जो है अपना उड़ीसा वाला वहां पे मैं उस समय जाके आगे तो गुरुदेव तो मुझे तब से पकड़ना चाह रहे थे लेकिन मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैं भागती जा रही भागती जा रही फिर जाके जब पूरी तरह से खाली किया गुरुदेव ने कहा तो छोड़ना नहीं है कहते तो ना अगर एक बार पकड़ लिया तो वो छोड़ते नहीं है फिर उन्होंने मुझे इस तरह से खाली किया पूरा का पूरा छोटे बच्चे की जैसे अब कहीं नहीं जाएगी अब मेरे बिलकुल ले सकता हूँ <laughs> वो एक दिन राधानाथ प्रभु जी ना श्रीपा राधाना प्रभु जी वो एक दिन बता रहे थे कि गुरुदेव ऐसे गोला बनाते हैं और फिर ऐसे करके फेंक देते हैं फिर तो उसमें के खींच लेते हैं तो मेरे साथ मैं तो यही कहूंगी कि की एकदम ऐसे गोला बनाया है और उसके फेंका है मेरे ऊपर और फिर खींचा है क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ इतनी बदमाश कह सकते हो कि निकलना ही नहीं चाह रही थी दल से फंसी जा रही थी फंसी जा रही थी वो शुरू से मुझे पकड़ रहे हैं कहाँ टोटा गोपनाथ कब मुझे बताया उन्होंने की ये चीज होता है कोणार्क मंदिर कब मुझे लेके गए थे ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में तब उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज होता है तेरे तो को यही आना है लेकिन मैं भाग्य जा रही थी भाग्य जा रही थी भाग्य जा रही थी तो अब जाके ये हुआ है कि आज अगर कोई मुझे कहे कि भाई तुमको तो वृंदावन चलना तो मैं इस हालत में अपना सब छोड़ के चली जाऊंगी और मैं जाती भी हूँ अब गुरुदेव की ऐसी कृपा होगी कि ना मुझे डर लगता है ना मुझे ये लगता है कि मुझे अकेले कैसे जाना है हाँ ये जरूर है कि पतिदेव को बताती जरूर कि मैं यहाँ जा रही हूँ बिना बताए आज तक नहीं गई लेकिन वो भी कभी मना नहीं करते कि नहीं जाना है ठीक है उनका ये होता है कि तेरी मर्जी हमेशा यही बोलते कि तेरी मर्जी तो मेरी मर्जी तो उनको पता है क्या है तो मैं चले जाती हूँ तो इस तरह से बस इतना ही है अपने पास बहुत अच्छा बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बताया मैंने भी बहुत सारी चीजें एक, एक बात और बताना चाहूंगी क्षमा चाहती हूँ एक बार और ऐसा हुआ था कि गुरुदेव मेरे को साक्षात तो कभी नहीं मिले वो इतना ऐसे मिले लेकिन मैंने उनको पूरा आ, थोड़ा विश्वास ना होने वाली बात है लेकिन फिर भी बताती हूँ कि मैंने उनको पूरा है तो वो एक दिन ऐसे हुआ था मेरे साथ कि मैं गोपाल मंत्र कर रही थी तो मुझे नहीं पता कहाँ से क्यों ऐसा हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आया लेकिन ये हुआ मेरे साथ कि मैं गोपाल मंत्र कर रही थी तो मेरा गेट खुला और मैं वहां मंत्र भी कर रही हूँ साथ साथ मैं गेट भी खोल रही हूँ पता नहीं क्या सिचुएशन था मुझे आज तक समझ में नहीं आया गेट भी खोल रही हूँ गेट पे गुरुदेव अकेले गुरुदेव थे और कोई नहीं था उनके साथ मैंने मेरा गेट खोला गेट खोल के मैं उनको अंदर लेके आई मेरे घर में कूलर है मतलब जहाँ रस्ते में जाते हैं वहां पे बीच में कूलर पड़ता है तो उन्होंने मुझे कहा कि कूलर क्यों लगा रखा है और ये सारा मैं मंत्र करते करते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था उसमें कैसे घूम रहा था मुझे समझ नहीं आया वो कूलर उन्होंने अपने पैरों से लात मारे उस कूलर को कहते इसको हटाओ यहाँ से तो उसको हटाने को उन्होंने मुझे बोला इसको हटाओ और फिर वो घूम के मेरे गैलरी से होते हुए मेरे घर के के हॉल अंदर तक आए हैं हॉल के अंदर पे जहाँ पे मेरी बेटी पढ़ती है उसका स्टडी टेबल है वो उस चेयर के ऊपर आके ऐसे बैठने वाले थे बस और मेरा जो मुझे ये ध्यान था मेरे को ये दिख रहा था कि स्टडी टेबल पूरा भरा हुआ है बेटी मेरी इनको जानती है नहीं है तो ये करेगी क्या तो मैं ऐसे फटाफट फटाफट मंत्र को मैंने उस दिन ऐसे किया कि बस कर लिया और मैं भाग्यू टेबल के पास और मैंने उस टेबल को साफ करना शुरू किया <laughs> ये भी नहीं देखा कि गुरुदेव है कहा कि कहाँ है बस टेबल को साफ करा फटाफट फट चेयर लगाई और माधवी मेरी बेटी कहते क्या कर रहे हैं मम्मी क्या कर रहे मम्मी बाद में जब उसने बोला कि क्या करे मम्मी तो मैंने कहा रही ये क्या है मतलब तो तब वो एकदम से समझ में आया कि वो क्या रहा है तो ये बहुत एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेरे साथ जो घटना है स्मृति है कह सकते हो कि ये मेरे को गुरुदेव का जो संग होता है ये उनका संग मुझे इस तरह से प्राप्त होता है वैसे तो मैं कभी मिली नहीं हूँ लेकिन कानों के थ्रू और अपनी आंखों के थ्रू जो उनको मैंने देखा है उनकी आ, नीली आंखें जो हैं वो सब और उनका जो दिव्य चेहरा है वो सब आज मेरे अंदर एकदम एकदम छप सा गया है उसको अब हटाना बहुत मुश्किल है गुरुदेव की इच्छा होगी तो ही हटेगा नहीं तो वो नहीं हट सकता